गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। मींस एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू से नोट करते हैं, और एक होती है फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी से नोट करते हैं। अब यहां पर वो वेलोसिटी में चेंजिंग मांग रहा है, यानी कि वेलोसिटी में हम चेंजिंग कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, वेलोसिटी में चेंजिंग निकलेगी। मींस ये इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करी अपॉन टाइम। ये क्या हो गया हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, व्हिच कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन होता है आपका वो भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंटली आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि बॉडी की स्पीड जब आपकी बढ़ती चली जा रही है तब उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और यदि बॉडी की स्पीड घटती जा रही है, यानी कि बॉडी की स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, तो उस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। क्लियर है? अगर बॉडी की स्पीड आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। अगर बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती है तो वो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन है। उसी नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। उस नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या हमारा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी एक्सीलरेशन का ही एक फॉर्म है, एक्सीलरेशन की एक टाइप है। इसकी भी ऐसा यूनिट आपकी उसी तरह सेम होती है। अब हमको पढ़ना है न्यूटन की फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने जो मोशन के तीन लॉ दिए थे उसमें आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन आपकी उसमें आपको प्रूफ करना है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए हम जो अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाता हमने उसी को लेना है, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अपॉन डबल वन की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू बी माइनस यू। क्लियर? ए टी हमारा इक्वल टू बी माइनस यू हो गया। अब हमें यहाँ से बी इक्वल टू निकाल लेना है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस बी टू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, आपकी प्रूफ हो गई।